हेलो टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभी पीडिया प्लेटफॉर्म एंड टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब स्टेट थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ मार्च राइट सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स जैसे कि अभी नायब तहसीलदार का एग्जाम आ रहा है और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो पंजाब गवर्मेंट ने डिक्लेयर कर दिए हैं दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग लॉड ऑफ इन नंबर ऑफ़ पोजिशंस गवर्नमेंट जॉब्स लेकर आ रहे हैं सो so ऑब्वियसली आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी एडवांस के अंदर सो so इसी लिए ये जो करंट अफेयर होता है स्टेट का ये बहुत ही एज होती है राइट इन एजेस को कवर करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग यू द करेंट अफेयर्स राइट पंजाब का और इसके पिछले जितने भी करंट अफेयर्स हैं अगर आप कवर करना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे पेंडिंग लेक्चर्स देख लीजिए और साथ ही साथ पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर लीजिए गेट एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेवन डेज़ का ट्रायल भी आपको दिया जा रहा है एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑनगोइंग uh, क्लासेस चल रही हैं एच सी और एच एग्जाम्स के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए तो इसमें आप सेवन डेज का ट्रायल इसमें भी ले सकते हैं सेवन डेज तक आराम से आप क्लासेस अवेल कीजिए एंड देन यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज राइट चलो लेट्स बिगिन विद द न्यूज़ नंबर वन सो न्यूज़ नंबर वन ये कहती है कि वेट वार्सिटी फिल्म जो है दैट इज दे हैव गॉट द बेस्ट पंजाबी लैंग्वेज फिल्म अवार्ड इन दी एग्री फिल्म फेस्टिवल सो एग्री फिल्म फेस्टिवल जो है ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया इस फेस्टिवल के अंदर बेस्ट पंजाबी लैंग्वेज फिल्म अवार्ड जो है वो इस पर्टिकुलर फिल्म को दिया गया है राइट right? तो पहला न्यूज़ तो यही आपके सामने आ गया इस फिल्म का जो टाइटल है दैट इज़ जूनोसिस डिजीज़ बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस राइट जूनोटिक जो डिजीजेस होती हैं इन्फेक्शंस होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन की तरफ स्प्रेड होते हैं या ह्यूमन से एनिमल की तरफ स्प्रेड होते हैं उस चीज़ के ऊपर जो है ये फिल्म बनाई गई है किनके द्वारा Uh, ये जो साइंटिस्ट हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इनके साइंटिस्ट के थ्रू बनाई गई है और इनको जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज एग्री फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया है विच वी कॉल इट एज मैनेज एग्री फिल्म फेस्टिवल 2022 uh, जो अवॉर्ड uh, फंक्शन जो है इसको ऑर्गेनाइज uh, किया गया और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एट हैदराबाद तेलंगाना सो हैदराबाद तेलंगाना जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैनेज एग्री फिल्म फेस्टिवल 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें इस पर्टिकुलर फिल्म को जो है आ, मिला है बेस्ट पंजाबी लैंग्वेज फिल्म अवार्ड राइट तो ये न्यूज़ है इसके बारे में एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर जसविंदर सिंह जो हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ऑल्सो डायरेक्टर डायरेक्ट्रेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन Uh, इनका ये uh, जहाँ पे इनका काम ये ऑफिस uh, uh, है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं सो so, ये इन्होंने डेवलप किया है इस फिल्म को और जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कि लोगों के बीच में जो किसान हैं जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं जो पशुओं को पालते हैं इन लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट दी जूनोटिक डिजीज़ मतलब इंसानों जानवरों से किस तरीके से इंसानों की तरफ वो वायरस बैक्टीरिया आ सकता है जिससे इंसान जो है ह्यूमन के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए इन्होंने जसविंदर सिंह जो डॉक्टर जसविंदर सिंह है इन्होंने ये फिल्म बनाई है इसको डायरेक्ट किया है तो इनको जो है ये अवार्ड रिसीव हुआ ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी ऑफ एग्री फिल्म फेस्टिवल जो 11 मार्च 2022 को ऑर्गेनाइज़ किया गया था एट मैनेज हैदराबाद फ्रॉम द श्री और यह अवार्ड मिला है फ्रॉम द श्री बी सी पाटिल जो कि मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के राइट right? ये बड़ा ज़रूरी है मेंशन करना कि ये अवार्ड अपने में ही एक यूनिकनेस रखता है ये जो एग्री बिज़नेस एग्री फिल्म फेस्टिवल 2022 अवार्ड है इसमें यूनिक चीज़ है क्योंकि ये कंट्री का पहला ही इस तरीके से अवार्ड दिया जाता है Uh, उन फिल्म्स को या उन फिल्म्स को जिन जो फिल्म्स एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर्स के अंदर बनाई जाती हैं राइट तो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स के अंदर जो जो फिल्म बनती हैं उन फिल्म्स में कुछ फिल्म्स जो बेस्ट फिल्म्स होती हैं उनको चूज किया जाता है और उसके बाद जो है उनको अवार्ड दिया जाता है राइट तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चित्कन यूनिवर्सिटी चित्कन यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद दी जर्मनी सोल्यूशंस राइट ओके सो ऑब्जेक्टिव क्या है ये एम साइन करने का या एसोसिएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली जो चित्कारी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल पाए ताकि वो अपनी जो स्किल्स हैं स्किल सेट है अपने प्रोफेशनलिज्म है अपनी नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर पाए सो यही जो है ये जो रिसोर्सेज जेमनी सोल्यूशंस के हैं इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सके बाय चित्तारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सो दैट वो अपनी यू नो अपरचुनिटीज़ को और इम्प्रूव कर पाए थ्रू इम्प्रूविंग देयर स्किल सेट राइट सो ये कोऑपरेशन किया गया है मतलब दिस इज एम जो आगे जाके और ज़्यादा बेटर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होगा इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस uh, के बीच में फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ ईच अदर्स रिसोर्सेस कैसे यूज़ करना है उसके लिए राइट right? अब देखिए आपको पता है कि जमनी सोल्यूशन जो है इनका जो एंगेजमेंट है वो प्रमारली बिजनेस के अंदर है रिसर्च के अंदर है डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर है राइट right? और ये जो है इनकी जो एरियाज हैं इनका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड से है राइट right? सो so, इससे क्या होगा इससे दोनों जो आ, आ, जो रोल हैं दोनों के रोल जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करके ये लोग बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को केटर कर सकते हैं उनकी जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है जिसमें इंडस्ट्रीज़ में जो रिक्वायरमेंट है जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है वैसे स्किल सेट के साथ स्टूडेंट को तैयार करके वो उनको इंडस्ट्री की तरफ भेज सकते हैं ताकि वो ऑपरचुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रैप कर पाए राइट चलो और इसके अंदर क्या है अब ये जो एम है ये परमिट करेगा चित्कारी यूनिवर्सिटी और जमनी सोल्यूशंस के बीच में टू फोकस देयर एफर्ट्स ऑन कोऑपरेशन विद इन द एरिया ऑफ स्किल बेस ट्रेनिंग एजुकेशन प्लेसमेंट इंडस्ट्रियल विजिट एंड एक्सपर्ट लेक्चर्स के बीच में ये सारा एम के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं राइट right? इस एग्रीमेंट के तहत सिक्स सेमेस्टर का जो स्टूडेंट होगा विल गेट द चांस टू अटेंड अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर थर्टी डेज 30 दिन के लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको हो पाए मिल पाएगा एंड वो जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर जो है वो ट्रेंड होगा राइट right? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर चलते हैं येस uh, द yes, जो जमनी सोल्यूशन के साथ इस तरीके से टाई अप करके जो स्टूडेंट होंगे दिल गेट द रियल इंडस्ट्रियल जो एक्सपीरियंस होता है उनको वो मिल पाएगा ठीक है और इससे ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो बहुत अच्छे से आ, ट्रांजिशन कर पाएंगी यूनिवर्सिटी नॉलेज या स्किल से टू इंडस्ट्रियल स्किल तक राइट चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमृतसर साउथ के जो एम हैं अमृतसर साउथ के जो एम हैं जिनका नाम है डॉक्टर निज्जर ठीक है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रोटेम स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है सो so, दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक तो है अपने पास प्रोटेम स्पीकर ये ये कॉन्सेप्ट आपको लक्ष, आ, लक्ष्मी हा लक्ष्मीकांत पे मिल जाएगा हर किताब में मिल जाएगा यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको अपॉइंट किया गया है ठीक है और ये अमृतसर साउथ एम एल ए है अमृतसर साउथ के एम एल हैं डॉक्टर ने्जर राइट सो so, आम आदमी पार्टी भगवंत मान आपको पता है एटीनथ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन चुके हैं और इनका जो पूरा का पूरा ये जो सेरेमनी हुई है ये हुई है कहाँ पे जो हमारे शहीद भगत सिंह हैं उनके गांव में जहाँ पे जहाँ जिसका नाम है कातकर कला राइट तो यहाँ पे इनका पूरा सेरेमनी हुआ ही एज द एटीन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब राइट चलो अब हम लोग बात करते हैं ये जो निंजर डॉक्टर निंजर है इनके बारे में बात करते हैं कि इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रोटेम स्पीकर ऑफ पंजाब विधानसभा ठीक है और और एक चीज और भी है कि इनको जो अपॉइंटमेंट किया गया है इनको जो अपॉइंट किया गया है वो किसने किया है इनको अपॉइंट किया है पंजाब के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित ठीक है इन्होंने बेसिकली एडमिनिस्टर किया है ओथ ऑफ द ऑफिस टू द डॉक्टर निज्जर राइट तो इन्होंने एडमिनिस्टर किया है तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ प्रोटाइम स्पीकर होता क्या है देखिए प्रोटेम जो है इट इज़ अ लैटन फेज ये एक लैटन वर्ड है फेज है विच मीन्स फॉर अ टाइम बींग कुछ टाइम के लिए मतलब टेम्प्ररी स्पीकर एक तो पर्मानेंट स्पीकर आ गया एक तो नॉर्मल जो पोजीशन होती है स्पीकर की लोकसभा राज्यसभा असम्बली के अंदर तो वैसे एक तो वो है बट एक होता है प्रोटेम स्पीकर जो टेम्प्रेरी स्पीकर होता है कुछ टाइम के लिए स्पीकर होता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्पीकर अपॉइंट होता है अंडरस्टैंड अब जो नीड है प्रोटेम स्पीकर की वो क्या है वॉट इज़ द नीड ऑफ अ प्रोटेम स्पीकर राइट right? क्यों ज़रूरत पड़ती है बिकॉज क्या होता है कि जब इलेक्शन जब असेंबली का टेन्योर ख़त्म हो जाता है पांच साल पूरे हो जाते हैं तो स्पीकर की ऑटोमेटिकली पोजीशन ख़त्म हो जाती है तो जब नई चुनाव होते हैं और नई सरकार बनती है तो उस टाइम पे नई सरकार जब बैठती है असेंबली के टाइम पे असेंबली में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में तो उस टाइम पे कुछ टेम्पररी बेसिस पे एक पोजीशंस बनाए एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ प्रोटेम स्पीकर ताकि ये स्पीकर का ही काम करे लेकिन कुछ टाइम के लिए किए करें क्योंकि वंस एक फर्स्ट सिटिंग अगर असेंबली की हो गई या लोकसभा की हो तो उस फर्स्ट सिटिंग के अंदर ही डिसाइड कर लिया जाता है कि स्पीकर कौन बनने वाला है लेकिन उस फर्स्ट सिटिंग से पहले स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो सारी चीजों को टिल फर्स्ट सिटिंग तक टिल फर्स्ट सिटिंग तक सारी चीजों को कंडक्ट करे ठीक है तो ये जो स्पीकर होता है लोकसभा या असेंबली का ये अपनी जो पोजीशन है उसको खाली छोड़ देता है इमिडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस राइट तो अब इस सिचुएशन में क्या है इस सिचुएशन में जो गवर्नर होता है या फिर प्रेसिडेंट होता है अभी देखो प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर निज्जर को किसने अपॉइंट किया गवर्नर साहब बनवारी लाल पुरोहित ने किया राइट अगर हम लोग अगर हम लोग इनकी बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम लोग बात करें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्रोटेम स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस राइट यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है हाउस का उसको प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाया जाता है तो इसको आप ज़रूर पॉइंट को याद रखिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छोटा सा पॉइंट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है मार्च को ग्लोबली सेलिब्रेट uh, किया जाता है टू मेक श्योर कि कंज्यूमर्स के कुछ राइट्स होते हैं और उनको एक्नॉलेज किया जाना बहुत जरूरी है फिफ्टींथ मार्च को यही चीज ग्लोबल लेवल पे एक्नॉलेज किया जाता है कंज्यूमर्स राइट right को इसमें एम क्या है इनका दैट इज टू इनक्रेज द अवेयरनेस ऑन द कंज्यूमर राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड उसके बाद हर साल एवरी ईयर अ पर्टिकुलर थीम इज फॉलो टू सेलिब्रेट दिस डे अक्रॉस द वर्ल्ड एक थीम को फॉलो किया जाता है 2022 की जो थीम है 2022 की जो थीम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फेयर डिजिटल फाइनेंस ठीक है फेयर डिजिटल फाइनेंस 2022 वर्ल्ड कंज्यूमर राइट की थीम है समझ आ गया ओके okay. तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज पंजाब के अंदर एक आ, प्लानिंग फोरम एंड कंज्यूमर फोरम जो है उसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया मतलब उसको सेटअप किया गया है उसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के दिन तो मतलब ओपनिंग सेरेमनी की गई है प्लानिंग फोरम एंड कंज्यूमर फोरम की कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना के अंदर फिफ्टीन मार्च में टू मार्क द डे दैट इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को मार्क करने के लिए ठीक है तो इसको थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा बिल्कुल आपने पॉइंट्स इतना याद रखना है दो तीन पॉइंट्स की इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टींथ मार्च ग्लोबल लेवल पे थीम क्या है और पंजाब में क्यों बिकॉज यहाँ पे एक कुछ इनिशिएटिव लिया गया इस दिन ठीक है चलिए नेक्स्ट इज नवा शहर के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके बाद का भी न्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है नवा शहर जो है वहां पे जो सखी है सखी क्या जिसे कहते हैं वन स्टॉप सेंटर ये जो सखी है वन स्टॉप सेंटर ये बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है इस सेंटर ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि 93 थ्री परसेंट जो केसेस आए इस सेंटर के पास उसको बहुत अच्छे से इन्होंने टाइमली ख़त्म किया है मतलब उनका सोल्यूशंस निकाले हैं तो शहर में जो सखी वन स्टॉप सेंटर है इसको इट प्रूव्स अ बून फॉर द डिस्ट्रेस वुमेन बाई सॉल्विंग नाइन्टी थ्री परसेंट केसेस राइट अब देखिए सखी वन स्टॉप सेंटर जो है ऑपरेशनल इन द लोकल डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में इसको शुरू किया गया था ये सखी सेंटर को आ, लोकल डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में शुरू किया गया था जो कि नवाशहर के अंदर है और इसने नाइन्टी थ्री परसेंट केसेज को अभी तक सॉल्व कर दिया है ये केसेस जो कि महिलाओं के केसेस हैं जिनको ज़रूरत पड़ जाती है वो महिलाएं जो कि विक्टिम हैं डोमेस्टिक वायलेंस की फ़िज़िकल वायलेंस की, की हरासमेंट की मेंटल हरासमेंट की 321 केसेस जो थे इन्होंने रिसॉल्व किए जिसमें से बहुत सारे केसेस जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के है। मतलब एट तो केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं और 36 केसेस जो हैं अलग अलग विक्टिम्स uh, जो जिनका कुछ और केसेस जो हैं इस तरीके से हैं राइट right? तो वन स्टॉप सेंटर जो है वो क्या करता है मतलब ये जो सखी है विच वी कॉल इट एज वन स्टॉप सेंटर इट प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड रेंज ऑफ सर्विसेज ठीक है टू वुमेन जो इफेक्टेड रहती हैं वॉइलेंस के एक्सप्लोटेशन के अदर प्रॉब्लम्स के राइट right? और ये जो सर्विसेज हैं इसमें मेडिकल आपको एड मिलती है पुलिस की मदद मिलती है लीगल एड मिलती है केस मैनेजमेंट की मदद मिलती है साइको सोशल काउंसलिंग मिलती है एंड टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज मिलती है राइट right? तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है राइट right? तो आप इनको देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट हम लोग एक और न्यूज़ देख लेते हैं नवा शहर की नवा शहर कंटिन्यूज़ टू अटेन द फर्स्ट पोजिशन इन पंजाब विथ लीस्ट पेंडेंसी इन सेंट्रल इन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उसमें अब देखिए कई ऐसी सरकार की सर्विसेज होती है सिटीजन्स के लिए वो डिलीवर ही नहीं होती ठीक है ठीके? वो डिलीवर नहीं होती सिटीजन्स को पता ही नहीं चलता कि वो आ, उस आ, वो सर्विसेज भी है उसका बेनिफिट भी उठाना है तो नवा शहर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है पंजाब के अंदर जहाँ पे जो सर्विसेज डिलीवर की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू सिटीजन्स के लिए वो सारी सर्विसेज में ऑलमोस्ट सारी की सारी सर्विसेज सिटीजन्स को पहुँची जा रही है कोई पेंडेंसी आपको बहुत मिनिमम देखने को मिलेगी तो शहर के अंदर ही शहीद भगत सिंह नगर है उसको जो है फर्स्ट पोजीशन मिली है राइट right? इन्होंने ये जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं ये प्रोवाइड कराई हैं थ्रू सेवा केंद्रास ठीक है तो सेवा केंद्रास के थ्रू जो है इन सेंट्रिक uh, सर्विसेज को सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को डिलीवर किया जाता रहा है शहर के अंदर सो so, देखिए लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जो है हेड ओनली पॉइंट सिक्स परसेंट जीरो सिक्स परसेंट का पेंडेंसी है एप्लीकेशन इन सेवा केंद्राज के अंदर एंड डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो काफ़ी टाइम से दे हैड बीन सिक्योरिंग द फर्स्ट रैंकिंग इन द स्टेट फ्रॉम ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट देन जीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन परसेंट तो इस तरीके से प्रीवियस मंथ्स के अंदर इतने इतने पेंडेंसी ऑफ केसेस हमें देखने को मिले हैं राइट क्लियर डायरेक्शन स्टाफ को दिया गया है कौन से स्टाफ को जो सेवा केंद्र केंद्र में काम करते हैं उनको क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि आपको जो है जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनको आपको टाइमली डिलीवर करना है राइट और उसी तरीके से डिलीवर करना है जैसे कि आप जो है सभी को कर रहे हैं वैसे ही आपने सारी जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है बहुत ही प्रॉम्प्ट तरीके से करनी है विदाउट डूंग एनी करप्शन या कोई ट्रांसपेरेंसी का उसमें वो नहीं होना चाहिए कि हाँ ट्रांसपेरेंसी आप नहीं रख रहे हो राइट right? सो so, बहुत क्लियर डायरेक्शंस जो हैं दी गई हैं आपने पूरे पैशन के साथ अपनी पूरी ड्यूटी के साथ इन सर्विसेस को आगे सप्लाई uh, करना है राइट सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास एंड मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आई होप यू लाइक दिस सेशन आपका नायब तहसीलदार आ गया है बहुत सारे पंजाब के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम अब आने वाले हैं तैयारी तो अभी होती है जब आप तैयारी नोटिफिकेशन से पहले की तैयारी तैयारी होती है उसके बाद तो सब लोग तैयारी करते हैं राइट सो कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है डू us नो comment कर दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए फॉर दीज करंट अफेयर्स by लाइकिंग आर सेशन कोई भी डाउट रहेगा डायरेक्टली कॉल भी कर दीजिएगा थैंक यू